नौकरी करने वालों में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हड़कंप। जुडिशरी के लिए एआई कितनी बड़ी चुनौती या मौका। सीजीआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ टेक्निकल फ्रेंडली हैं। कई बार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों और वकीलों को फटकार लगा चुके हैं, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की नसीहत दे चुके। साफ लफ्जों में कहा, आप लोग टेक्निकल फ्रेंडली होना होगा ताकि कम समय में लोगों को न्याय मिल पाए। जहां एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कई लोगों में डर का माहौल है, वहीं सीजीआई चंद्रचूड़ ने इसकी संभावना पर जोर दिया कि कानूनी दुनिया में कैसे इसका फायदा उठाया जा सकता है। हालांकि इसकी खामियों के बारे में भी जिक्र किया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कानून की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर क्या कुछ कहा है, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। इससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आखिर मामला क्या है? देश के सुप्रीम कोर्ट और सिंगापुर की शीर्ष अदालतों के बीच टेक्नोलॉजी और संवाद को लेकर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें विशेष रूप से जुडिशरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा की गई। सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस विषय पर अपनी बात कही। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने शनिवार को न्यायपालिका और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अपनी राय रखी। भारत और सिंगापुर की शीर्ष अदालतों के बीच टेक्नोलॉजी और संवाद को लेकर 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में सीजीआई बोल रहे थे। डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायपालिका में आर्टिफिशियल की परिवर्तनकारी भूमिका पर जोर दिया। सीजीआई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में मेरे सहकर्मी जो आज सुबह हमारे साथ हैं, आपको हमारे जीवन के हर दिन के बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा कि जज के रूप में हम देखते हैं कैसे कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा सकता है, उन लोगों के हित जिनके पास संसाधन है बनाम जिनके पास संसाधनों की कमी है। चंद्रचूड़ ने कहा, मुझे लगता है कानूनी क्षेत्र में एआई को अपनाने से एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुंच वाले लोगों का पक्ष लेकर असमानता बढ़ सकती है, यह हमारे सामने चुनौती है। नए लोगों के लिए राह। हालांकि सीजीआई ने कहा, एआई भारत के सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से यहाँ हाइब्रिड मोड को अपनाना देश के न्यायिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रचूड़ ने कहा, इसका न्याय और कानूनी पेशे तक पहुंच के लिए दूरगामी प्रभाव है। कानून के क्षेत्र में यह क्षमता में तब्दील होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीगल डिस्ट्रीब्यूशन में तेजी लाने और सुव्यवस्थित करने में मददगार साबित हो सकता है। यथास्थिति बनाए रखने का मंत्र हमारे पीछे छूट चुका है। यह हमारे पेशे के भीतर विकास को अपनाने और यह पता लगाने का समय है कि हम टेक्नोलॉजी के प्रसंस्करण शक्ति का पूर्ण उपयोग कैसे कर सकते हैं। पेपरलेस और डिजिटल कोर्ट के समर्थक हैं। चीफ जस्टिस का कार्यक्रम काफ़ी व्यस्त रहता है, यह सिर्फ कोर्ट रूम तक ही सीमित नहीं है। अदालत का सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक होता है, लेकिन यह देश के शीर्ष न्यायाधीश के लिए छुट्टी का समय नहीं होता। प्रशासनिक काम देर शाम तक चलता रहता है और इसमें अक्सर कोर्ट के समय के बाद मीटिंग भी शामिल होती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ पेपरलेस और डिजिटल कोर्ट के समर्थक हैं। उन्होंने अपने दफ्तर में भी इसकी एक मिसाल पेश की है। उनके कमरे में कंप्यूटर टेलीफोन के अलावा आपको कहीं भी फाइलों का ढेर नहीं मिलेगा। उनके कमरे में केवल एक ही फाइल थी जो उनके हाथ में थी, जिसमें उनके दिन का कार्यक्रम लिखा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के महासचिव अतुल मधुकर कुहेरकर उनकी बैठकों, अगले दिन की सुनवाइयों और प्रशासनिक कार्यों में उनकी सहायता करते हैं।